Thank you.
कौन है? सामने क्यों नहीं आते? बड़ी डरपोक है मेरी बिन्नी, तुम्हारी बहन जो हूँ ना। लेकिन ये रास्ता क्या सोचा है तुमने घर में आने का? यही तो समझने की बात है मेरी बिन्नी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि माँ को मेरी कोई भी बात पसंद नहीं। इतनी रात को मैं घंटी बजाता ना तो मेरी घंटी बज गई होती। अरे लेकिन तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? इसलिए कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुबारक दिए बगैर कैसे सो जाती? ये रहा तुम्हारा तोहफा। दुनिया में कोई भी भाई इतना खुश नसीब है जिसकी बहन रात के 12 बजे तक उसका इंतजार करे, उसका जन्मदिन याद रखे और फिर ऊपर से इतना प्यारा तोहफा दे। स्वीटी बेशक, तुमने भी तो इसे जिंदगी भर के लिए तोहफा दे रखा है। जो 15 बरस से कुर्सी की सवारी कर रही है बेचारी, ये क्या कर माँ? तुम चुप रहो, कहां से आए हो इतनी रात गए? माँ, सतीश भल्ला के यहाँ पार्टी थी, इत्तेफाक से उसका भी जन्मदिन आज ही है। तो फिर अपना जन्मदिन भी वही मना लिया होता? यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वही सो गए होते। इस घर की कौन सी ऐसी गाड़ी है जो तुम्हारे बगैर चल नहीं सकती? जानता हूँ माँ, मेरे बगैर तो सबको चल सकता है। जानते हो तो उस पर अमल क्यों नहीं करते? आपकी और बाकी में यही तो फर्क होता है। बीए की डिग्री को शहद लगाकर चाटो, हाजमा और भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। माँ, तुम्हारे तीसरे दिन यही मुकदमा लेकर क्यों बैठ जाती हो? वकील साहब तो मेरी झोली में डाल गए हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो मैं देखती ये कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता निखट्टू बनके। इलाहाबाद से बाहर भी तो लोग नौकरी करते हैं। अच्छी नौकरी तो मुझे कहीं भी मिल जाती माँ, लेकिन सिर्फ सिर्फ इस ख्याल से कि तुम और बीनी घर में अकेली रह जाओगी। मैंने कभी कोशिश नहीं की माँ। अरे वाह रे श्रवण कुमार, ये कहो कि आराम की रोटियां खाने का चस्का पड़ गया है। सोतेली हूँ ना, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती। पेट का जाया होता तो कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया होता। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं, कल मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा। मां जाने दे, बड़ी आई भैया की सगी। अरे पगली, इसमें घबराने की कौन सी बात है? मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ, अपनी देखभाल कर सकता हूँ। ले पैक कर। लेकिन माँ की बातों का बुरा नहीं मानना भाई, उसकी तो आदत ही ऐसी। हाँ बिन्नी, मैं जानता हूँ बिन्नी। आखिर माँ है ना, और माँ का दिल कभी नहीं भूल सकता कि आज से 15 साल पहले मेरी ही गलती से तेरी दोनों टांगे टूटी थी। ये तो मेरी तकदीर में लिखा था भैया, भूल जाओ इस बात को और खुशी खुशी जाओ। हाँ, वहां पहुंचते ही 5 भूखे भिखारियों को खाना जरूर खिला देना, तुम्हारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अरे 5 क्या, मैं 25 भिखारियों को खाना खिला दूंगा। तुझे खुश रखने के लिए मैं लोक से परलोक जा सकता हूँ भैया। अरे ए पगली, तू रो रही है? नहीं तो ये लो, मैंने बचा कर रखे थे, तुम्हारे काम आ जाएंगे। तूने मुझे कितना प्यार दिया और मैं इस कुर्सी के सिवा तुझे और कुछ नहीं दे सका। भैया चल, आज आखिरी बार तेरी कुर्सी को सहारा दे। ना, 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 ना,
खाने का सवाल है बाबा, है कोई बाबा इस शरीर में खाए से सुनने वाला, ऐ मेरे भगवान, ऐ बाबू ये खाने का सवाल है बाबा, सिर्फ ये खाने का सवाल है बाबा, बाबा सुबह से खाना नहीं खाया। तुम्हारा मतलब है बेहुदा है और नहीं तो क्या, औरत और मर्द का हाउस चुपन संभाल कर देखो शांता, वरना 50 रुपए का स्टैचू जमीन पे गिर जाएगा। 50 रुपए मेरे अकाउंट में चार्ज कर देना जी। चलो वेलकम शांता जी। शांता ने तो स्टैचू बिल्कुल तोड़ दिया था, वो तो स्टैचू बन गया था बेचारा। नमस्ते जी। कौन है तुम? जी मेरा नाम श्याम कुमार सक्सेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, रॉयल क्लास ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन आपकी कमबख्त बम्बई ने मेरी कोई कदर नहीं की, मेरा हाल नहीं पूछा, मेरी तबीयत नहीं पूछी, यहाँ तक कि मुझे क्या तकलीफ है वो भी नहीं पूछा, एक आप है जिन्होंने मेरे साथ कुछ पूछा पाछी की। बस बस, यहाँ क्या कर रहा मेरी गाड़ी में? किसी की तलाश में हूँ। क्या जी? मेरा मतलब एक नोट की तलाश में हूँ जो उड़ के आपकी गाड़ी में आ गया है, लेकिन मिलता नहीं। तो क्या मेरी मोटर खा गई है? चलो नीचे उतरो जल्दी। जल्दी तो मुझे भी है मेम साहब, लेकिन क्या करूँ, 100 रुपए का मामला है, जरा देखने तो दीजिए। क्या मुसीबत है? मुझे लगता है ये कोई बदमाश है। हाँ शांता, मुझे भी ऐसा लगता है ये कोई रोड साइड रोमियो है। आप अपने आप को जूलियट समझती हैं? ओह शट अप, उतरे मेरी गाड़ी से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। गाड़ी से उतर जाओ, पुलिस को बुला लूंगी। मैंने क्या क्या मेहता, मेरे नोट का क्या होगा? मिल जाएगा तो मनी ऑर्डर करवा दूंगी। ओ लाला, मनी ऑर्डर करवा देंगी, भेजेंगी कहाँ, पुलिस स्टेशन में? मेरा कोई एड्रेस ही नहीं है। मनी ऑर्डर करवा देंगी, एक ही नोट था। भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मेरा भला करके वो जा रही है, देखिए वो जा रही। ये सोफा देखिए राजा बहादुर, असली बर्मा टीक का है, निहायत ही खूबसूरत और निहायत ही कंफर्टेबल भी है। अभी अभी एक पीस दारा सिंह लेके गए हैं, मतलब ये कि बहुत मजबूत भी है। एक्सक्यूज मी, आपका बटुआ बाहर। मेरा बटुआ? जी हाँ, गिर गया था बाहर। थैंक यू वेरी मच। नोट गिन लीजिएगा। देयर इज नो नीड। जी ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। माय प्राइसलेस वास, मैंने देखा नहीं था कि कितने कीमत है इसकी। अब तो कुछ भी नहीं, टूटने से पहले 100 रुपए जरूर थी। मेरे पास तो सिर्फ 70 नए पैसे हैं। 70 नए पैसे? वो तो सब ठीक है, मगर 99 रुपए 30 पैसों का इंतजाम कौन करेगा? इसका इंतजाम मैं करूंगा। ये लीजिए। लेकिन आप शराफत का तकाजा, जब तुम्हारे पास हो लौटा देना। लेकिन मैं, ये रहा मेरा कार्ड। And good luck to you. अरे लेकिन राजा बहादुर मोती सागर, मेरा बस चले तो मैं तुम जैसी तमाम लड़कियों को गोली से उड़ा दूं जो मर्दों की झूठी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, जो ये भी नहीं जानती कि उनकी गुलामी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मर्दों के हाथ में है और तुम उनमें से एक हो। मत भूलो कि आजकल की औरत मर्दों के हाथ की कठपुतली नहीं है। मत भूलो कि आजकल की औरत मर्दों के
के बगैर भी जिंदा रह सकती है। बताओ क्या मतलब है तुम्हारी इस बदनामी का? मुझे क्या मालूम, तुम्हें नहीं मालूम लेकिन सबको मालूम है, सारी दुनिया जानती है। मोहब्बत के सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं, खुदकशी या शादी, और इन दोनों में ही औरत की मौत है। मगर इसे मेरा क्या कसूर है शांता दीदी, इसने हमारे उसूलों को तोड़ा है, हमारी क्लब के नाम पर थूका है। बेशक, और इसके लिए आज के बाद इसका हमारी क्लब से कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा एक हफ्ते के लिए बाइकॉट किया जाता है। थ्री चीयर्स फॉर शांता। गुड शॉट राजा बहादुर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे राजा बहादुर न कहा करो, तुम मेरे मरहूम अजीज दोस्त की बेटी हो। फिर भी वो आपके यहाँ सर्विस ही तो करते थे। लेकिन मैंने उसे कभी अपना नौकर नहीं माना, मैंने हमेशा उसे अपना भाई समझा है। जैसी शांता वैसी तुम। कभी आंधी कभी बिजली कभी बरसात में होगा, हर ढंग से हर रंग से इंसाफ में होगा, पर रुकना सका शौक मेरा रखना घरों से, मैं आ ही गया उड़ के मोहब्बत के भरोसे। गुड मॉर्निंग राजा बहादुर। गुड मॉर्निंग देवदास, बहुत दिनों के बाद आए। क्या करूं राजा बहादुर, मैं तो रोज सर के बल आने को तैयार हूं, मगर आपकी पोती तो मेरी हवा को तलवारी मारती है। इधर देखिए राजा बहादुर, मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या मैं खूबसूरत नहीं, क्या मैं जवान नहीं, क्या मैं किसी हीरो से कम दिखता हूँ? इसका जवाब तो सिर्फ आईना ही दे सकता है। मेरी नजर में तो तुम 16 करोड़ संपूर्ण। तो फिर देर किस बात की है, क्या मेरी उम्र शादी के काबिल नहीं? तुम्हारी उम्र में तो तुम्हारा बाप एक बच्चे का बाप भी हो गया था। मगर अफसोस अफसोस, उस नालायक बाप का ये शादीशुदा बच्चा, उस शादीशुदा बाप का ये नालायक बच्चा अब तक कवारा है। क्यों बरपुरदार, शादी तुम्हें शांता से करनी है, मुझसे नहीं। वो आज हाँ कह दे, मैं कल शादी का इंतजाम किए देता हूँ। फिर वही बच्चों की सी बात, मैं पूछता हूँ एक हिंदुस्तानी लड़की अपने मुंह से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है? हिंदुस्तानी में नहीं लेकिन अंग्रेजी में तो हाँ कर सकती है। अंग्रेजी में कहे या फारसी में, मैं कहता हूँ मैं आज इस बात का फैसला करके रहूंगा। शांता कहाँ है? ऊपर है, ऊपर अपने कमरे में, अपने कमरे में। हाँ। राजा बहादुर मुझे आशीर्वाद दीजिए, या तो मेरा तीर आज उसके जिगर के पार होगा या मेरे गले में उसके जूतों का हार होगा। क्या होगा 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 क्या होगा। गोपाल, मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था? बिस्किट मिसी बाबा। तो फिर ये केक यहाँ कैसे आ पहुँचा? गलती हो गई मिसी बाबा, माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर सकती हूँ, दो बार माफ कर सकती हूँ, मगर तुम होगी बार बार गलती कर देते हो। मिसी बाबा, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, आप भी तो गलती कर सकती हैं। मुझे लेक्चर देते हो, गेट आउट। मिसी बाबा ये केक ले जाओ। मैं कहती हूँ गेट आउट। इडियट, बदतमीज। देखिए आपकी पोती ने मेरे मुंह को मलमल की धोती बना दिया है, देखिए बचाइए। किस जबान में हाँ कही मिसी बाबा ने? पश्तो में। हंसती है आप, दिखता नहीं है, थोड़ा की क्या हल कर दिया है। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत तो मैं जिंदगी भर नहीं हारूंगा। वो जो किसी ने कहा है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान में जंग में, वो तिफल क्या चलेगा जो घुटनों के बल चले। शाबाश, एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं वो गुस्से में ऊपर से नीचे ना आ जाए। बात तो ठीक है राजा बहादुर, लेकिन मैं बाहर तक अकेला कैसे जाऊँ? किसी को कहिए ना मुझे बाहर तक छोड़ दे। गोपाल सरकार, उठाकर बाहर छोड़ाओ। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं इसे। चलिए साहब। साहब बदतमीज नालायक, हम बाहर तक पैदल जाएंगे? नहीं सरकार, गोदी में ले चलते हैं। उठाओ, चल उठा, चल जल्दी। शाबाश शाबाश। आज मैं रॉबिन हुड बन के आया, कल पासिंग शो बन के आऊंगा, किंग कॉन बन के आऊंगा, अल्बर्ट हासन बन के आऊंगा, तभी काम ना चला तो दारा सिंह बन के आऊंगा। आखिर कब तक उस देवदास की हरकतें बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या करूं रीटा, इसके बाप के मुझ पर बहुत से एहसान थे, और ये उसका इकलौता बेटा है, और वो भी पगला। लरा दी लरा मची तेरी दुम मची ओ
ओ लल्ला, आप अच्छा हुआ आप मिल गए, लाइए मेरा नोट। मैंने तुम्हारे नोट का ठेका नहीं ले रखा, वापस करो हमारा बॉल। वाह वाह, यानी कि बातों में आप मेरा नोट गोल करना चाहती हैं। मैम साहब, लेकिन मुझे भी चोर के घर तक पहुंचने की आदत है, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जा सकती। मैं कहती हूँ सीधी तरह हमारा बॉल वापस कर दो, वरना पुलिस को खबर कर दूंगी। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, आप खुद थानेदार लग रही हैं। जी हाँ, शट अप। आहिस्ते आहिस्ते, जरा आहिस्ते बोलिए, मैं भी चीख सकता हूँ। आप मुझे मोटर की चाबियाँ दे दीजिए, मैं अपने आप नोट ढूंढ लूंगा। ओहो, बड़े हसीन हो ना। हूँ तो, वैसे आम पब्लिक की मेरे बारे में यही रिपोर्ट है, आपका क्या ख्याल है? तुम्हारा सर, कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? एक बार देखी थी, आईना टूट गया। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, हमारा बॉल वापस करो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता मैम साहब, आप सीधे हाथ से मुझे नोट दीजिए, मैं उल्टे हाथ से आपको बॉल देता हूँ। जी हाँ। आपको पैसे चाहिए ना, आइए ऊपर। आइए श्रीमान जी। मैं ऐसा मालूम होता जैसे कि मैं राजा इंद्र के अखाड़े में आ गया हूँ। आइए आइए, हम आपका नोट वापस के देते हैं। और ये सब जल्द परियां मेरे स्वागत के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह ये आलम है तो शाम तक क्या नजारा होगा। ये लो अपना नोट, हमारा बॉल ला। बॉल तो आपकी सहेली ने पानी में गिरा दिया। तो निकाल दो ना। देखो, तुम्हीं ने कहा था सीधे हाथ से नोट, उल्टे हाथ से बॉल। कहा तो था लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारा बॉल निकाल दो और अपना नोट ले लो। अच्छी बात है।
मिलता है सियाना, ऐसे नौजवान से क्या दिल का लगाना। सूरत हंसी लगता है दीवाना, ऐसे नौजवान से क्या दिल का लगाना। सूरत हंसी लगता है दीवाना, सूरत हंसी लगता है दीवाना, ऐसे नौजवान से क्या दिल का लगाना। सूरत हंसी बदतमीज। सरकार, एक आदमी आपसे मिलने आया है। वो कहता है मैं आपको जानता हूँ। कौन आया? वो कहता है मेरा नाम शाम है। शाम? मैंने तो ये नाम ही सुना है। सुन भी कैसे सकते हैं राजा बहादुर, मैं ना तो कोई लीडर हूँ और ना कोई फिल्म एक्टर। ओ, तुम? आपके पैसे लौटाने आया हूँ। पैसों के साथ साथ मैं तो तुम्हें भी भूल गया था, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? शराफत का तकाजा, यो समझे कि दिमाग पर कुछ बोझ था जिस पर जिसे उठाकर सारी बंबई की खाक छाननी जरा मुश्किल है। बातें तो बहुत खूबसूरत करते हो, काम क्या करते हो? काम यही करता हूँ कि कुछ नहीं करता। काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ मेरी नाकामी मुझसे पहले वहां पहुंच जाती है। बड़ी उम्मीद लेकर आया था, यू समझिए कि कुछ तकदीर ही खराब है। तकदीर तो अपने आप बदल जाती है मिस्टर श्याम। आज लोग मुझे राजा बहादुर कहते हैं, और आज से 30 बरस पहले मैं इलाहाबाद में एक मामूली वकील था। इलाहाबाद में? वहां तो मेरे पिताजी भी वकालत किया करते थे किसी जमाने में। क्या नाम था उनका? दीवान प्रेमनाथ। तो क्या तुम दीवान गोपीनाथ के पोते हो? जी हाँ। आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। हमने जिंदगी के बहुत से साल इकट्ठे गुजारे हैं। आज से तुम्हारी नाकामी के दिन खत्म हो गए। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन राजा बहादुर, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, इसे अपना ही घर समझो। और हाँ, इनसे मिलो, ये है मिस रीटा, मेरे एक मरहूम दोस्त की बेटी, सारे घर का इंतजाम यही करती है। और ये है गोपाल, इस घर का बहुत पुराना नौकर। मिस रीटा, मिस्टर श्याम को गेस्ट रूम में ले जाओ और इनके रहने का पूरा इंतजाम करो। आपका सामान कहाँ? ये बीटी स्टेशन के वेटिंग रूम में पड़ा हुआ। गोपाल, गाड़ी भिजवा कर बीटी स्टेशन से इनका सामान मंगवा। बहुत 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 आइए जी। थैंक यू राजा बहादुर। व्हाट इज दैट टू थैंक मी? थैंक यू वेरी मच। बी कंफर्टेबल। तुम यहाँ तक भी आ गए मेरा पीछा करते हुए? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो? बात तो यूं कर रहे हो जैसे घर तुम्हारे बाप का है। निकल जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट। ऐसे बोलिए मेम साहब, किसी ने सुन लिया तो मेरे बदले आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आया ख्याल है शरीफ? अच्छा, अभी पता चल जाएगा किसको यहाँ से गेट आउट होना पड़ेगा। सुंदर गोपाल मोहन। क्या बात है बेटे? दादाजी, ये कौन बदतमीज हमारे घर में घुस आया है? बदतमीज नहीं बेटे, ये हमारा मेहमान है, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त का बेटा है, इलाहाबाद से आया। इलाहाबाद से आया है या मुरादाबाद से? बिल्कुल बदतमीज है, मुझे इसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। अरे तुमने तो लड़ना ही शुरू कर दिया। ये मेरी पोती है शांता। तबीयत भी बहुत शांत पाई है इन्होंने। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे शाम कहते हैं। तुम्हें शाम कहते हैं या सवेरा? मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। शाम, तुम इनकी बातों को बुरा नहीं मानना, मिजाज की जरा गर्म है। जी हाँ जानता हूँ, इत्तेफाक से हमारा तीसरा सीन है। तीसरा सीन? जी मेरा मतलब है कि तीसरी मुलाकात। मुलाकात? गुड। मॉर्निंग दादाजी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। चलिए मेरा जूस देना। जी बेटी। बाबा ऐसी भी क्या जल्दी है बेटे, कभी थोड़ी देर हमारे पास भी बैठा करो। और कैसी चल रही है तुम्हारी क्लास? बहुत जरूरत है दादाजी। और वो शीला है ना, शीला हकीम संतराम की बेटी, मैंने उसका क्लब से एक हफ्ते के लिए बायकॉट करवा दिया है। बायकॉट किस लिए? इसलिए कि वो किसी लड़के की मोहब्बत के चक्कर में उसके साथ रोज समुन्द्र के किनारे सैर किया करती थी। तो इसमें बुरी बात क्या है शांता जी? आपके भाई कौन पूछता है? ये किसका जूस है? आपका मिसी बाबा।
बेवकूफ, मैं पूछती हूँ किस चीज का है? ये टमाटर का। टमाटर का क्यों है? जानते नहीं मैं सिर्फ पाइनएप्पल का जूस पीती हूँ? मिस्टी बाबा, पाइनएप्पल आजकल मार्केट में नहीं मिलता, और मिलता है तो हजम नहीं होता। तुम नौकर हो या डॉक्टर, ले जाओ इसे। माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि टेबल पे कुछ और लोग भी बैठे हैं। दूसरे लोग तो हमेशा ही बैठते हैं, तुम चाहो तो उठ के जा सकते हो। शांता बेटे, मेहमान से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आप मेरी बातों में दखल न दीजिए दादाजी, प्लीज। ये ठीक ही कहती है राजा बहादुर, ये हम दोनों का मामला है, आप दखल मत दीजिए। माफ कीजिए राजा बहादुर। राजा बहादुर, माफी चाहता हूं, इससे पहले कि आप मुझे जाने के लिए कहें, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं मुझे आपकी लाडली पोती के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, शांता मेरी पोती है, मेरे मिटते हुए खानदान की इकलौती औलाद, मगर मेरे ही लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि वो आज किसी को खातिर में नहीं लाती, और अगर ठीक तरह देखा जाए तो इसमें उसका भी कोई दोष नहीं। वो आज भी बहुत अच्छी लड़की होती अगर उसकी मां एक देवी और उसका बाप भी एक शराबी ना होता। शराबी बाप के हाथों अपनी मां को हर रोज पिटते देखकर उसे अपने बाप से तो नफरत थी, लेकिन इस बर्ताव से तंग आकर जब उसकी मां ने खुदकशी कर ली तो उसे दुनिया भर के मर्दों के साथ नफरत हो गई। यही उसके दिमाग का फतूर है, और इसीलिए आज तक मुझे हर शराबी से नफरत है। मुझे आपसे हमदर्दी है राजा बहादुर, काश मैं आपकी कोई मदद कर सकता। यही तो मैं चाहता हूं मिस्टर श्याम, और तुम बहुत कुछ कर भी सकते हो। हीरा ही हीरे को काटता है, और शांता के बिगड़े हुए मिजाज को अगर कोई सीधे रास्ते पर ला सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ तुम। मैं शांता का दादा भी हूं और उसका बाप भी, और हर बाप की तरह मैं अपनी जिंदगी में उसकी मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी का रंग देखना चाहता हूं। मिस्टर शाह, अगर ये सपना सच हो जाए तो तुमसे अच्छा दामाद भी मुझे नहीं मिल सकता। राजा बहादुर, यह क्या क्या? मैं ठीक कह रहा, मैं बहुत थक गया हूं, और मेरे साथ साथ बेचारी रीटा थी जिसे मैं शांता के सुधार के लिए यहां लाया था, और उसका भी यही ख्याल है मिस्टर शाह कि शांता के साथ सिर्फ तुम ही टक्कर ले सकते हो। अच्छा राजा बहादुर, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं, लेकिन मेरे तरीके कुछ उल्टे हैं, और मैं वादा चाहता हूं कि आप उनमें दखल नहीं देंगे। डन माय बॉय, और तुम भी वादा करो कि ये बात तुम्हारे, मेरे और रीटा के बीच में है। डन सर, डन। आज से तुम इस घर के मैनेजर हो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे जरा पढ़ तो सही क्या लिखा है तेरे भैया ने। मां, भैया ने उनकी पहली तनख्वाह में से 400 रुपए भेजे हैं। लिखा है 300 रुपए माँ के लिए और 100 रुपए मेरी बिन्नी के लिए। अरे कहीं चपरासी या क्लर्क की नौकरी मिल गई होगी। नहीं माँ, मैनेजर की। वहाँ पर भैया को एक शेरनी को सिधाना होगा। हाय, शेरनी? तो क्या सर्कस में काम कर रहा है? नहीं माँ, नहीं, 4 पैर वाली नहीं, 2 पैर वाली। भैया भी अपनी हरकतों से बात नहीं आएंगे। फॉल फ्रॉम अ हिल टॉप, फॉल फ्रॉम अबव, fall from anywhere, but never fall in love. मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, और बोल राधा बोल, संगम
नहीं, यानी कि नेवर। ये आपने क्या कह दिया, ऐसा जुल्म ना कीजिए राधा जी। मेरा नाम राधा नहीं, शांता है, शांता। आपका नाम राधा हो या शांता, शांता हो या कांता, ये मैं कुछ नहीं मानता। मैं तो सिर्फ इतना हूं जानता कि छूट जाऊं गम के हाथों के जो निकले दम कहीं। लालच है ऐसी जिंदगी पे कि तुम कहीं और हम कहीं। चेहरा मैं पूछती, तुम यहां से जाते हो कि नहीं? नहीं नहीं कभी। मैं देखता हूं यहां से कौन निकलता है। कौन हो तुम? आया। मैं तो देवदास हूँ, मगर तुम कौन हो? सुना नहीं शांता जी ने क्या कहा? गेट आउट फ्रॉम हियर। ये मेरा और शांता जी का प्राइवेट मामला है। तुम कौन होते बीच में बोले वाले? तुम इस घर के चौकीदार हो, ठेकेदार हो या थानेदार हो? बताओ मैं कौन हूँ इस घर में? इतना अच्छा सीन जमाया था, सारे सीन का सत्यानाश कर दिया। मैं बोलता हूँ तू पानी में आ। देवदास की छठी औलाद। ओ लाला, सवाल तो पैदा होता ही नहीं मेम साहब। वैसे आपने ये खटखट क्यों लगा रखी है, ये बताइए आपको चाहिए क्या? माय बेटी। बेटी मेम साहब, 10:15 बज चुके हैं, 15 मिनट के अंदर गार्डन में जाकर अपना नाश्ता कर लीजिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? तुम कौन होते हुकुम चलाने वाले? इस घर का मैनेजर। ये घर है या कोई होटल? किसने बनाया तुम्हें मैनेजर? आपके दादाजी ने। दादाजी ने? जी। अभी जाके उनसे पूछो। वो आज सुबह 7 बजे यहाँ से रवाना हो गए, अभी इस वक्त यहाँ से 60 मील दूर खंडाला पहुँच गए होंगे। खंडाला? जी। मैं फौरन उनके पास जाना चाहती हूँ। ड्राइवर से कहो मेरी गाड़ी तैयार करे। ओ लल्ला। सच्चिदानंद। कौन हो तुम? मैं नया ड्राइवर। पुराना ड्राइवर कहाँ गया? नए मैनेजर साहब ने उसे मुक्त कर दिया। क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं ये जरूर जानता हूँ कि नए मैनेजर साहब पुराने विचारों के आदमी हैं, और पुराने ड्राइवर के नए विचारों को देखकर उन्होंने पुराने विचारों का एक नया ड्राइवर रख लिया, ताकि मैं आपके साथ सिद्धांत की बातें कर सकूं। सिद्धांत की? जी हाँ महिला, ये माहीपाल शांति निकेतन में गुरु जी के साथ 10 साल से सेवा कर रहा था। बस? जी हाँ। तो बैठो गाड़ी और चलो खंडाला। चल दे। जो आ गया महिला। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, मैं ड्राइवर का बच्चा नहीं हूँ महिला, खुद ड्राइवर। खुद ड्राइवर हो तो गाड़ी चलाना सीखो, खुली सड़क में तेज नहीं चलाते। ये सिद्धांत की बात है, क्योंकि जब मैं शांति, मैंने कहा ना ये शांति निकेतन नहीं है, ये बम्बई है, समझे? जी हाँ बिल्कुल समझ गया, परंतु आप कुछ नहीं समझी,
क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है अगर इंसान अपने पांच शत्रुओं पर विजय पाले तो इस संसार में काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार का मुंह हमेशा के लिए काला हो जाए। तुम यहाँ मोटर चलाने आए हो या भाषण देने? मोटर तो चला रहा हूँ महिला, लेकिन मुझे ऐसे मोटर में बैठने की आदत नहीं है। सच्चिदानंद, ये भी सिद्धांत की बात है महिला, कि नर का नारी से, फूल का फुलवारी से और मंदिर का पुजारी से हमेशा एक ही नाता रहता है और उसका नाम है धर्म। और धर्म हमें सिखाता है माहीपाल, धीरे धीरे धीरे। तो फिर मेरे सिद्धांत की भी बात सुनो, गाड़ी रोको, मैं खुद चलाऊंगी। जो आज जो आज मोटर है, मोटर हवाई जहाज नहीं है महिला। तुम चुप ही करोगे या बोलते ही जाओगे? ये भी सिद्धांत की बात है, मुंह में जब जुबान हो तो बोले बिना नहीं रहा जाता, परंतु आपकी ये चंचलता आपको शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती? इसलिए कि आप केवल नारी नारी। ये तो मैं भी जानती, इसमें कोई सी नई बात है। परंतु आप ये नहीं जानती, आपका कर्तव्य आप बिल्कुल नहीं जानती। जैसे सुगंध के बिना फूल अधूरा रह जाता है, वैसे ही नारी का जीवन बिना जीवन साथी के अधूरा रह जाता है महिला। आप तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो आपका मन भी जानता, परंतु उसमें झांक कर आपने ये नहीं देखा कि नारी एक निराकार होती है, वो तो केवल एक छाया है किसी पुरुष के जीवन। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके जीवन पर सिर्फ आप ही का अधिकार नहीं है, किसी और का भी। मेरा मतलब है कि आपके दादाजी का, जिन्हें आपके रूप में अपना बेटा और अपनी बहू दोनों नजर आते हैं। भावना से कर्तव्य कहीं 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 ऊंचा होता है महिला। तुम ठीक कहते हो। सच्चिदानंद, घनघोर घटा छा गई। हाँ तो महिला, आप कह रही थी कि कभी कभी आप भी सोचती हैं, कभी कभी आपका दिल भी जरूर चाहता है। इंसान की बात है कि दिल की बात दिल ही में रह जाए तो इंसान के विचारों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो बताइए क्या सोचती हैं आप? सच्चिदानंद, तो ये सब नाटक तुम्हारा ही बनाया हुआ था? मुझे नहीं मालूम था तुम इतने धोखेबाज हो। ओ लाला, क्या आओ यहाँ से? मेरी बात तो सुनिए। अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। आप भी कहाँ जा सकती हैं? ये गाड़ी तो यहाँ से हिल भी नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? अजी टिपी टाइट होगी, इसकी हालत देखिए। तो ठीक है, गाड़ी चले ना चले मैं पैदल जाऊंगी। अरे देखिए, खंडाला भी यहाँ से 8 मील दूर है। तुम्हें क्या, 8 हो या 80 मैं जाऊंगी। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे, मगर मोहब्बत में हुक्म दोगे तो हंसते हंसते ये जान भी देंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे, मगर मोहब्बत में हुक्म दोगे तो हंसते हंसते ये जान भी देंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो।
समझते हो खुद को जाने क्या तुम ये सारी दुनिया को खाक जाना समझते हो खुद को जाने क्या तुम ये सारी दुनिया को खाक जाना गुरूर का सर झुकेगा एक दिन हंसेगा तुम पर भी ये जमाना हमेशा ये सिन नहीं रहेगा हमेशा ये दिन नहीं रहेंगे हसीन हो तुम खुदा नहीं हो शुक्र कीजिए के आसमां पर तुम्हें बिठाया हमारी नजरों का शुक्र कीजिए के आसमां पर तुम्हें बिठाया हमारे दिल को दुआएं दीजिए के धड़कनों में तुम्हें बसाया बुलंदियों से गिरोगे तुम भी अगर निगाहों से हम गिरेंगे हसीन हो तुम खुदा नहीं हो हमारे जैसे अगर है लाखों तुम्हारे जैसे भी कम नहीं है हमारे जैसे अगर है लाखों तुम्हारे जैसे भी कम नहीं है जो खुद ही पत्थर से फोड़ ले सर वो और होंगे वो हम नहीं नहीं मोहब्बत में मर सके जो भला वो जी कर ही क्या करेंगे हसीन हो तुम खुदा नहीं हो तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे हसीन हो तुम खुदा नहीं हो क्यों गए भाई साहब हम लोग ये गाड़ी के लिए आए हैं इससे आगे तो नहीं जा सकते मगर खंडाला यहाँ से सिर्फ 4 मील दूर है आप हमें वहाँ छोड़कर वापस भी तो आ सकते हैं हाँ। नहीं रे बाबा ये नहीं हो सकता ये तो आपको पहले से हमने समझा दिया कि गाड़ी कैसे भी आए शाम तक बॉम्बे पहुँचना ही है अब दूसरा कहीं गाड़ी में चले जाओ ओ नो ओ लल्ला की गाड़ी का हुड जाम हो गया चलिए 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 बारिश से बचने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढे चलिए मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी जाने को तैयार नहीं मेरी बात मानिए ये बारिश आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है मैं कहता हूँ आप चलिए मेरे साथ मैं कहती हूँ नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी तुम चाहो तो शौक से जा सकते हो अगर आपकी यही इच्छा है तो बंदा चला लेकिन जरा सोच लीजिए वीरान सी सड़क है और जंगल का रास्ता है किसी जंगली जानवर को अगर आपकी भीनी भीनी खुशबू आ गई तो तुम मेरी मदद को हरगिज नहीं आना समझे
गया, बिल्कुल समझ गया। आइए आइए शांता जी, अभी तो आपने सिर्फ गीदड़ की आवाज सुनी, आज रात को यहाँ शेर बोलता है। शेर? जी हाँ, बब्बर शेर। आइए आइए, यहाँ छुपने की जगह है, आइए आइए। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सी जगह में दो कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, दिन में जगह चाहिए। ठहरिए, बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। आइए, बारिश से बचिए, मैं सांस खींच लेता हूँ। सांस छोड़ दूं? नहीं। इस रात कैसे कटेगी? इस तरह तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे योग अभ्यास कितनी प्रैक्टिस नहीं कि मैं जिंदगी भर के लिए सांस को अंदर खींच के रखूं। आप महिलाएं नाजुक तबीयत की हैं, आप यहाँ रहिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। बहुत बारिश है, सर्दी लग जाएगी। जी हाँ, लग तो जाएगी, सरसाम भी हो सकता है और बोलोराम भी। तो फिर आ जाओ अंदर। आप कहती हैं तो मजबूर हूँ, आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम था आप मेरा इतना ख्याल रखती। ख्याल? मुझे तरस आता है तुम्हारे हाल पे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कुल न जाने बाप तो सारा जाने है। जान गई? इतनी जल्दी जान गई? गले लिपते हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा कुछ और बरसे। वाह शांता जी, शांता जी, शांता जी, शांता जी, ये सोने का समय नहीं है। शांता, पीटर, सोनो तुम लोग। जी हम मुसाफिर हैं जी। वो तो मुझे भी दिखाई देता है, मगर यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? बारिश से बचने की कोशिश। दरअसल हम लोग बंबई से निकले हैं खंडाला के लिए, रास्ते में मोटर खराब हो गई। और ट्रेन तो इस सड़क पर अक्सर खराब होती ही रहती है, और घर से भागे हुए लैला मजनू का नाटक भी इस खंडर में खूब खेला जाता है। जी चाहता है तुम दोनों को दुख छोड़ा दूं। देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम दोनों का वो रिश्ता बिल्कुल नहीं, जो कि आप तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम लोग मियां बीवी हो? जी 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 हाँ है तो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी तालाक हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ही रईस माँ बाप की बेटी है, एकलौती बेटी है, बहुत नखरे वाली है, बात बात पर झगड़ती रहती है। झगड़ती रहती है, पागल है क्या? ये तो नहीं, लेकिन खानदान में जरूर कोई पागल होगा। जरा देखिए ना, हम बंबई से आए हैं, मोटर खराब हो गई, कोई मेरा दोष है, ऊपर से बारिश आ गई, कोई मेरा दोष है, और फिर से झगड़ा शुरू कर दिया, और झगड़ते झगड़ते बेहोश हो गई। अब ये भी मेरा दोष है साहब, अब मैं इसे होश में कैसे लाऊं ये बताइए साहब। इसमें समझने की कौन सी बात है, मेरी जीप में चलकर बैठो, और मेरा बंगला कोई खास दूर नहीं है यहाँ से, वहां जाकर इसका इलाज भी हो जाएगा, और आज की रात तुम दोनों वहां आराम भी कर सकते हो। वेरी गुड, कम ऑन, चलिए। वेरी गुड, मेरे तो भारी भी है, चलिए। जब इतनी बेवफाई पर तुझे दिल प्यार करता है, अरे जालिम, अगर तू बावफा होता तो क्या होता?
देखिए आप मुझे गलत ना समझिए, मेरा कोई हक नहीं इस घटना में। दरअसल ये सब करामात इन्हीं का है जी। ये मगर ये कौन सी जगह, तुम ये कहाँ ले आए हो? सब बताता हूँ, पहले आप सूप पी लीजिए। मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे यहाँ एक मिनट रहना पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कड़वा घूंट समझ कर पी लीजिए, फिर कर्नल साहब की गोली हम दोनों पे चल जाएगी। कर्नल? कौन कर्नल? आस्ते आस्ते सब बताता हूँ मैं। बड़ा पागल किस्म का इंसान है ये हवलदार, बोलता कम है और थैंथ्यू ज्यादा करता है। अगर उसने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एम साहब बाहर बला की सर्दी है और वही अंधेरी रात है, अगर इस वक्त रात को यहाँ से निकाले गए ना तो सुबह तक हम दोनों को निमोनिया हो सकता है। अब सर्दी की खातिर सूप पी लीजिए, लीजिए सूप पीजिए। मैं इस कहानी में सब नहीं चाहिए। ओ लल्ला मत पीजिए। मुनि ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ नहीं करना साहब, मैंने आपसे कहा था ना लड़की बहुत जिद्दी है, सूप नहीं पीती। नहीं पियूंगी, नहीं पियूंगी, नहीं पियूंगी। मैं इस किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बंगले में रात काटनी है तो आराम से रहो, नहीं तो बंदूक से उड़ा दूंगा। बहुत देखे बंदूक से उड़ाने वाले। कर्नल साहब रहम कीजिए, अभी लड़की बच्ची है, अकल की कच्ची है, आपके बंदूक और पानी की पिस्तौल से बैठी। आप इत्मीनान रखिए, मैं उसे समझा कर अभी बाहर लाता हूँ। चलिए चलिए ठीक है, उससे कहो कपड़े बदल ले, अलमारी में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और फिर तुम दोनों फौरन बाहर चले आओ। यस कर्नल। देखिए अपनी इज्जत का अंजाम, मेरा तो ख्याल था कि हवलदार की बंदूक सचमुच चल जाएगी। जैसे उसके बाप का राज है। अपने घर में बिल्ली भी शेर हो जाती है, शिकारी का क्या भरोसा। और फिर आप जानती नहीं, 9 महीने पागलखाने में काट के आया ये। पागलखाने में? जी हाँ, बीवी ने तलाक दे दिया, जूते मार के घर से बाहर निकल दिया था, बेचारा पागल हो गया। अभी कभी कभी दौरा पड़ता उसे। जी हाँ शांता जी, तभी तो मैं मस्का लगा रहा हूँ उसे। आप मेरी बात मानिए, ये स्लीपिंग सूट लीजिए, बाथरूम में जाइए, कपड़े बदल लीजिए। आप तैयार हो गए? मैंने पूछा आप तैयार हो गए? लल्ला सुंदर, अति सुंदर। शट अप। अच्छा आप बता मुझे क्या करना? करना वरना कुछ नहीं है, करण साहब का पागल बनाते देख लिया, अपना भेजा शांत रखिए और चलिए उसकी छावनी में, राम भला करें। चलिए लल्ला। मालूम होता है तुम दोनों में सुलह हो गई। कर्नल साहब तो जिंदगी में थोड़ी सी नोक झोंक चला करती है, वरना प्यार की जोत भरा कैसे चले। प्यार की जोत जलने लगी है तुम्हारी। कर्नल साहब बिल्कुल जलने लगी है, अब तो दिल के तार भी हिलने लगे हैं, घंटियां तक बजने लगी है। क्यों डाले फिर वही झगड़ा? झगड़ा नहीं हवलदार, तो कर्नल साहब ये तो दिल लगी है। वाह वाह कमाल का ड्रॉइंग रूम बना रखा। वाह वाह, अभी तुमने देखा ही क्या है मिस्टर शाल, ये तमाम जंगली जानवर जो इस बंगले की दीवारों पर लटक रहे हैं, मैंने इसी बंदूक का निशाना बनाए थे जंगल में। जरूर बनाए होंगे, आधा जंगल तो एक कमरा ही नजर आता है। What? क्या करिए, इनके कहने का मतलब यह कि आपने तो जंगल में ही मंगल बना रखा है। तारीफ कर रखी आपकी। वेरी गुड, बड़ी समझदार मालूम होती है। क्या पहचान है आपकी, इसलिए तो मैं इनसे क्या करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ ना? ये बात देखो करना साहब, और देखो इन्हें नफरत करने दीजिए। कमल करना साहब, इनकी बात बुरा पानी है, आप नहीं जानते बेचारी 6 महीने पागलखाने में काट के आई, कभी दौड़ नहीं पड़ जाता है। करना साहब देखिए, लेकिन मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, और आप अभी देखिए कि मैं इनके मन के तारों को हिला दूंगा, मैं इनकी प्यार की जोत को जला दूंगा, और करना साहब आप इन्हें बोलेगी। Ha!
तार हिल गए हैं। प्यार की चोट पे चल गई। घंटियां भी बज गई कमल साहब। वरेकन यंकर स्वरेकन, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सलीब्राज इनके खानदान में पीने पिलाने का बिल्कुल रिवाज नहीं है, आप इन्हें मजबूर मत। मजबूर है कैसे, बेचारी बरसात में बहुत भीग गई है, दवाई के तौर पर तो पी सकते हैं। मेरी बात सुनिए कर्नल साहब, दरअसल दिमाग आपने हवलदार का पाया। थैंक यू थैंक यू। इनकी हालत बहुत नाजुक है और ऐसी हालत में पूरी एहतियात रखनी चाहिए मिसेस श्याम कुमार सक्सेना। यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी। कर्नल साहब, आप दो हवलदार के बच्चे, क्या बच गया तू? होश में आ, वरना मैं बेहोश रहूं। मिस्टर श्याम, मैं तुम्हें जान से शांता जी, बहुत अच्छा तरीका सोचा था मुझे उल्लू बना देगा। शांता जी, मैं तुम्हें बंदूक दौड़ा दूंगी। शांता जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये पानी की पिस्तौल नहीं, असली बंदूक है, चल गई, तुम्हारा खून आपके सर होगा। शांता जी, थोड़ा आकर से कहा लीजिए। बदतमीज जानवर। ओ लल्ला, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा, मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा, मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। तेरे जाने गजल, तू बुरा भी कहे तो लगे है भला। कितने मीठे हैं लब तेरे जाने गजल, तू बुरा भी कहे तो लगे है भला। इन्हीं अंदाज ने मार डाला हमें, ना तुम्हारी खता ना हमारी खता। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा, मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। देख इसकी बदौलत ये दुनिया बनी, मेरी उल्फत से नफरत न करे संग दिल, देख इसकी बदौलत ये दुनिया बनी। इश्क की आग में जल के हस्ती मिटा, फिर खबर हो तुझे क्या है दिल की लगी। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बजाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा, मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। प्यार मेरा खुदा प्यार मेरा धर्म, प्यार करना कोई जुर्म कब है सनम, प्यार मेरा खुदा प्यार मेरा धर्म,
प्यार मैंने किया क्या गुनाह कर दिया तुम ये सोचो जरा तुमको मेरी कसम हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला बदतमीज कहो या कहो जानवर मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया बजाओ कोई संभालो कोई ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया शांता जी आप नहीं नहीं ये नहीं हो सकता
क्या आप सचमुच आप हैं? साक्षात आप हैं? आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको, कभी अपने आप को, कभी अपने बाप को। ये आपने ठीक कहा देवदास जी, लैला से मजनू, जूलियट से रोमियो और पारो से देवदास भी यही कहा करता था। ये लो। ये क्या है शांता जी? तुम बड़े भोले, इतना भी नहीं जाने कि जब कोई लड़की किसी लड़के को फूलों का गुलदस्ता देती है तो उसका क्या मतलब होता है डार्लिंग? डार्लिंग, समझ गया, बिल्कुल समझ गया, सलाने समझ गया। ये लीजिए, मैं जानता था मेरी पूजा कभी खाली नहीं जाएगी। ये समस्या एक कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ पारा जी? सेवा करना तो मेरा धर्म है, ये मेरी भूल थी कि मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं पारो जी? आपका देवदास किसी छोटे मोटे दिल का आदमी नहीं, बल्कि मजनू और फरहाद के टक्कर का दीवाना है। उसके दिल में आज भी आपके लिए वही जगह है जो बचपन में थी। जगह तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी रही है, मगर वो मैनेजर है ना, मैनेजर का बच्चा सुबह से शाम तक तुम्हारे बारे में दादाजी के कान भरता रहता है। कान भरता है? उस पाजी की यह मदद, उस नालायक की यह जरूरत। मैंने भी अगर उसके कान नहीं कतरने तो मेरा नाम, तो मेरा नाम देवदास नहीं। हे थैंक यू। कान कतरने की जरूरत नहीं मिस्टर देवदास, उसको ठीक करने की तरकीब तो हमने सोच भी ली है। वो क्या? वो ये कि एक बड़ी पार्टी की भरी महफिल में उसका उल्लू बना दिया जाए। उल्लू? पारो जी, तो फिर शुभकाम देर कहेगी। लेकिन इतने से काम नहीं कर सकता मिस्टर देवदास, उसके लिए तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। जब तक उससे दादाजी की नजरों से गिरा ना जाए उस पत्ता मिल की छुट्टी नहीं हो सकती, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? दादाजी को नशे में झूमते हुए लोगों से सख्त नफरत है, अगर किसी तरह उसकी भी ऐसी हालत बना दी जाए तो दादाजी से फौरन घर से निकाल देंगे। बस 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 पारो जी, मैं बिल्कुल समझ गया, सोलह आने समझ गया। इसका इलाज तो बस यूं हो सकता है, यूं। मैं उसे भंग के लड्डू खिला दूंगा। खाते ही बेटा अगर अपना पैतरा ना भूल गया तो मेरा दिमाग। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पार्टी देगा कौन? सलामत रहे ये आपका गुलाम, एक छोड़ दस दस पार्टियां देने को तैयार। माफ करें, सब बदले देंगे।
देख ही रहे हैं कि पार्टी की ये शाम कितनी खूबसूरत है, लेकिन अब आप लोगों के सामने गाने की एक ऐसी आइटम पेश की जाएगी जो इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बना देगी। गाने वाले का नाम है मिस्टर श्याम। मुझसे नहीं होगा ये, honestly। अरे कैसे नहीं होगा, इनकी फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ेगी मिस्टर श्याम। गा दीजिए ना मिस्टर श्याम, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, दिल जवान भी है, नादा भी है, मजबूर भी है, आप कहना तो तान से भी नहीं डाल सकते। नशा पिला के गिराना तो सबको आता, अरे मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अपनी बाहों से कोई काम तो लो, अपनी बाहों से कोई काम तो लो, गिर ना जाऊं मैं हुजूर थाम तो लो, गिर ना जाऊं को तस्कीन मिल ही जाएगी, मुझको आराम आ ही जाएगा, तुमको तस्कीन मिल ही जाएगी, मुझको आराम आ ही जाएगा, मुझको आराम आ ही जाएगा, दिल में धीरे से मेरा तलो, दिल में धीरे से मेरा नाम तलो, अपनी बाहों से कोई काम तलो, गिर ना जाऊं हुजूर धाम तलो, गिर ना जाऊं मैं हुजूर धाम तलो। बात करते नहीं हो जाने दो, दिल मिलाते नहीं हो जाने दो, बात करते नहीं हो जाने दो, दिल मिलाते नहीं हो जाने दो, दिल मिलाते नहीं हो जाने दो, खैर जाने दो सलाम तलो, खैर जाने दो पर सलाम तलो, अपनी बाहों से कोई काम तलो, अपनी बाहों से कोई काम तलो, गिर ना जाऊं मैं हुजूर धाम तलो, गिर ना जाऊं मैं हुजूर धाम तलो। राजा बहादुर देखिए अपने मैनेजर की हरकतें, दादाजी अच्छा हुआ आप आ गए,
वरना आज इसने न जाने मेरी क्या हालत बना दी होती। मैंने? जी हाँ आपने। शांता जी ठीक कहती है राजा बहादुर, मगर इसमें इस बेचारे का भी क्या दोष है, ये तो शराब के नशे में चूर अपने आप को भूला हुआ है। लेकिन आपको नहीं भूला मैं राजा बहादुर, मुझे आप ही का इंतजार था। आइए आप भी पार्टी में शामिल हो जाइए। बंद करो बकवास, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। बदतमीजी? बदतमीजी नहीं तो और क्या है, ये जानते हुए कि दादाजी को नशे में झूमते हुए लोगों से कितनी नफरत है, तुमने ये जुर्रत कैसे की? लेकिन कौन कहता है कि मैं नशे में हूँ शांता जी, ये तो सिर्फ आप। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते श्याम, तुम्हारी ये बैठी हुई आवाज, तुम्हारे ये लड़खड़ाते हुए कदम, क्या जवाब है तुम्हारे पास? इसका जवाब बाद में भी दिया जा सकता है, पहले आप यहाँ के दस्तूर के मुताबिक अपना मुंह तो मीठा कीजिए। मेरा ख्याल है कि देवदास जी के लड्डू खत्म हो चुके होंगे, इसलिए मैंने खास आपके लिए एक लड्डू बचा के रखा, और वो भी चांदी के वर्क वाला। शाप फरमाई। मत खाइए दादाजी। मैं कहता हूँ खाइए राजा बहादुर, अभी सारी बात समझ में आ जाएगी। गिरा क्यों? इसलिए कि ये मेरे लिए बना था, इसलिए कि मैं राजा बहादुर की नजरों से गिर जाऊं, इसलिए कि इसमें भंग मिली हुई थी। भंग? जी हाँ राजा बहादुर, ये सब मुझे आपकी निगाह से गिराने की कोशिश थी, लेकिन ये नहीं जानते कि कोशिशें नाकाम भी हो सकती है। ये गलत है, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है दादाजी। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आपकी सहेली तो झूठ नहीं बोल सकती, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। आप पूछ लीजिए। ये नहीं शांता जी, उस दिन आपकी बारी थी, आज मेरी, याद है मेरा बॉयकॉट? टिप टिप हुर्रे। हो गई तसल्ली शांता जी, अब कहीं राजा बहादुर कौन झूठा है, मैं या आपकी पोती? मोर्फिया का इंजेक्शन मैंने दे दिया है, जिससे इन्हें आराम मिलेगा। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? अभी कुछ नहीं कह सकता राजा बहादुर, लेकिन कलपटियों के पास एक ऐसी नर्वी होती है जिसका ताल्लुक आंखों से होता है, अगर बदकिस्मती से कहीं वो कट जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नहीं डॉक्टर, कुछ भी करके इसकी आंखें बचा। कोशिश तो मेरी भी यही है राजा बहादुर, अभी सुबह तक आराम करने दीजिए, फिर देखें। फिर कहता हूँ डॉक्टर, जैसे भी हो इसकी आंखें बचा लो, वरना मैं सारी की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? यकीन रखिए राजा बहादुर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सुन लिया तुमने, तुम्हारी मेहरबानी से अगर शाम की आंखों की रोशनी जाती रही तो याद रखो इसकी तमाम जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर हो। हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है, चुप नहीं जो मुझे आता है बच जाती है। तो फिर बात क्या है शांता जी, 3 घंटे से आप खोई हुई बैठी हो, ना तो किसी से बात करती हो, ना तो किसी के बात का जवाब देती हो। अंधा हो गया कोई और हंसी आपके चेहरे की जाती है, क्या मतलब इस तब्दीली का? तुम्हारा सर रोशनी आंखों में चुपती है। तो क्या आप देख ही सकते? जो नहीं देख सकता, अच्छे भले हाथ मेरे, सिर्फ सर फट रहा है। ओह थैंक जीसस, डॉक्टर का कहना था ऐसी हालत में कभी कभी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। राजा बहादुर तो बहुत घबराए हैं, मैं अभी जाकर उन्हें खबर दूंगा। तो राजा बहादुर समझते हैं कि मैं अंधा हो सकता हूँ, और शांता देवी तो चाहती भी होगी कि मैं अंधा हो जाऊं, तो ठीक है हम अंधे हो जाते। चम 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 घुरू बाजे ताल पे उसकी दूल्हा नाचे डोली भी संग लाया हूँ, लेकर आया दुल्हन का जोड़ा कंगन मेहंदी गजरा गजरा घोड़े पे चढ़ आया हूँ। राजा बहादुर नमस्ते। तुम फिर आ गए देवदास? देवदास तो आपका दास और शांता जी का चरण दास है, लेकिन आपका चेहरा क्यों उदास है?
इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ देवदास। शांता जी कहाँ? जॉन में। राजा बहादुर, मालूम होता है आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी ताकि मेरी भी हाँ हो जाए। तुम्हारी इस हाँ और ना के चक्कर में मिस्टर श्याम की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। राजा बहादुर, राजा बहादुर, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सब तरफ अंधेरा क्यों है? राजा बहादुर, राजा बहादुर, राजा बहादुर, मेरी आंखों की रोशनी अंधेरे में डूब गई है, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ। राजा बहादुर, बहुत सारा खुशाम, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी मिस्टर सूरदास। देवदास, देवदास, ये तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है, मैं जान दे दूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। कमबख्त ने हड्डी पसली बराबर कर दी है। आए शांता जी, आपने शांता जी, अच्छा लाभ आ गए, अच्छा हुआ, देख मेरी बर्बादी का तमाशा, कर भी दिया दिल खुश, मिल गई आपको शांति, वो भी आपकी जीत, मुबारक मुबारक हो शांता जी। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, शायद मैं इसी काबिल था, शायद मेरी तकदीर में लिखा था कि मेरी आंखें आपके हाथों से अंधी हो। शांता जी दिल खुश हो रही। राजा बहादुर, मैं अंधा हूं, राजा बहादुर, तुमने तुम्हारी वजह से बेचारे की जिंदगी बर्बाद। अंधेरे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन को किनारा। हाँ अंधेरे की लाठी, अंधेरे की कुटिया में कौन आया है? बनिए मत मिस्टर श्याम, मैं हूँ रीता। रीता, मैं हूँ सांपड़ की हसीना। आज की ताजा खबरें कैसी हैं? बताइए, घर में शांति तो है? शांति भी है और शांता भी, सुबह से गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही है। गार्डन में? और राजा बहादुर? अभी अभी बाहर गए। अरे बहादुर बाहर, वो गार्डन में, ओ लाला। और क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। प्यासे को क्या चाहिए? एक प्याला चाय। फूको क्या चाहिए? दब रोटी लाई। संभल कर उतरिए सीढ़ियां। आइए मिस्टर श्याम, वहां पर थोड़ी छांव। मिस रीटा, अब मेरे लिए धूप छांव में कोई फर्क नहीं है, बस इस अंधेरे में गुम होकर अपनी बची जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे वो धूप में कट जाएं और चाहे वो छांव में। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगा। संभालने के लिए कहा होगा ना? अच्छा ही कहा, अच्छा ही कहा, मेरी सोटी कहा, गिरते हो थाम लिया आपने, वैसे भी बैठे बैठे तबीयत घबरा रही थी। आइए चलिए जरा गार्डन की सैर कर लें, आपका सहारा जो ठहरा। जरा देखिए ना, इस दुनिया में भी क्या अजीब किस्म के रंग हैं, इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। इस घर की हालत देख लीजिए, क्या हाल है। राजा बहादुर ने मुझे अपना मैनेजर बनाया था और मैंने उनका काम करने के बदले में अपनी तमाम बदनसीबियां उनकी झोली में डाल दी। और रही शांता,
उसे आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। वो एक पत्थर की मूर्ति है जिसके सीने में ना तो कोई दिल है और ना दिल में कोई धड़कन। हाँ, लेकिन मुझसे पूछे रीटा देवी, अगर मेरी वीरान उदास और तारीख जिंदगी में कोई रोशनी की किरण बन सकती है तो वो एक शांता ही है। पूछिए क्यों, पूछिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसे बेहद प्यार करता हूं। ऐसे किस्म का प्यार जिसका ना तो कोई अंजाम होता है और ना कोई मंजिल। ये क्या, मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचा? शायद मैं जरूरत से ज्यादा ही बकबक कर गया, है ना? मगर जानती हो, अगर इस वक्त तुम्हारी जगह वो होती तो मैं क्या कहता, जानती हो क्या कहता? क्या? दिल को न मेरे तड़पाओ, प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ, प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ। चलन नफरत का रस में मोहब्बत सीखो, दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो। छोड़ो चलन नफरत का रस में मोहब्बत सीखो, दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो। दिल जो किसी का चुराओ, दर्द को भी अपनाओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ। की दौलत लेकर लौट जो हम जाएंगे, लाख बुलाओ फिर तुम मुड़ के नहीं आएंगे। प्यार की दौलत लेकर लौट जो हम जाएंगे, लाख बुलाओ फिर तुम मुड़ के नहीं आएंगे। फिर वो झलक दिखलाओ, आंखों से दिल में समाओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ, प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ। बदतमीज, तुमने सब ढोंग मचा रखा था। देखिए आप मेरी बात सुनिए। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। लेकिन आपकी आंखों से छलकते हुए आंसू कुछ और ही कह रहे हैं। शांता,
ऐसी नफरत भी अच्छी नहीं, जो घटे तो नफरत और बढ़े तो मोहब्बत बन जाए। दादाजी ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, आज के बाद इस घर में तुम रहोगे या मैं? आप रहिए, आपका घर आपको मुबारक, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। बेहतर है पंडित जी, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का, इकलौती बेटी है, जहाँ तक हो सकेगा ऐसा दहेज दूंगी कि सारा इलाहाबाद देखता रह जाएगा। लड़के वाले भी कंगाल नहीं है बहन जी, उनको दहेज की नहीं आपके बेटे की जरूरत है, बेटी देखकर बेटा मिल जाएगा और बेटा देखकर बेटी, ये रिश्ता तो दोहरी में हो सकता है आपकी दया से। दोहरी में? मेरा मतलब है आपकी बेटी अपाज है और उनकी बेटी बाल विधवा, दोनों के संजोग ही ढीले हैं। उनकी बेटी अगर इस घर में आ जाए तो आपकी बेटी उस घर की बहू बन सकती है, ये तो संसार की रीत है बहन जी, दायां हाथ बायां को धोता है और बायां हाथ दायां को, इसके बिना और कोई सूरत नहीं हो सकती। मगर श्याम तो बंबई में नौकरी करता है। तो बंबई कौन सी दूर है बहन जी, चिट्ठी लिखकर बुलवा लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। 32 दांतों से निकली हुई बानी है आपकी दया से। ठीक है, मैं आज ही उसे चिट्ठी लिखवाती हूँ, आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। तो रिश्ता तो मेरी मुट्ठी में है, चट मंगनी पट गया, पूरे 100 लगन करवा चुका हूँ आपकी दया से। जयराम जी की। जयराम। बीना, अरे बीना कहाँ है? क्या बात है माँ? अरे बात क्या होनी है, अभी अभी पंडित जी आए थे, बहुत अच्छा रिश्ता लाए थे तेरे भैया के लिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस घर में तू जाएगी उस घर की बहू इस घर में आएगी, और बहू तो चराग लेके ढूंढो तो ऐसी बहू ना मिले। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे रिश्ते में तो तेली हूँ, ममता तो मेरे दिल में भी है। तो माँ ये रिश्ता मान क्यों नहीं लिया तुमने? मान कैसे लेती, वो भला मानस तो मुझे अपना दुश्मन समझता है, वो मेरी बात किस तरह मानेगा? वो तुम्हारी बात डाल सकता है लेकिन मेरी नहीं, मैं आज ही उसे चिट्ठी लिखे देती हूँ, यही तो मैं चाह रही हूँ। हाँ ठीक है देख, ये भी लिख दे कि फौरन जवाब दे, हाँ या ना, लड़की वाले ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मैं सब कुछ लिख देती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमेशा ही तुम्हारे पास थी, मगर तुमने मेरी कदर नहीं की। तुम्हारी ये पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती, सो जाओ आराम से। कैसे सो जाऊं, मेरी तो नींद ही चुरा ली है किसी ने। मेरे पास इन फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, अगर तुम्हारी आंखों में नींद नहीं तो मुझे सोने दो। आज की रात सोने के लिए नहीं है पगली, जरा उठकर देखो बाहर कैसी चांदनी चटकी हुई है। शट अप, निकल जाओ मेरे कमरे से। यही तुम्हारी भूल है शांता, ये खेल नहीं बल्कि इसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत? औरत की गुलामी का दूसरा नाम दुनिया वालों ने मोहब्बत रख दिया। कभी तुमने इतना सोचा मोहब्बत कितनी खतरनाक होती है? मगर सोचना दिमाग का काम, दिल भला सोचना क्या जाने। यही तो मैं भी कहती हूँ, धड़कना दिल का काम है, दिमाग वाला धड़कना क्या जाने। मैं अब भी कहती ऐसी सुहानी रातें बार बार नहीं आया करती, आओ दोनों मिलकर चले। किसी के दिल की धड़कन हमारा इंतजार कर रही है। बंद करो ये बकवास, मुझे बेवकूफ बनाने चाहती हो? मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं नहीं हरगिज नहीं। तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम, मरती रहो इस कमरे में। मैं जाती हूँ। क्यों मेरा सारा वजूद कांप रहा है, ये कैसी हलचल है?
तो मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ, दिल को न मेरे तड़पाओ न रहेगा। परेशान क्यों कर रही है? उसमें है आखिर पानी बंद के कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी। छोड़ो चलन नफरत का, रस्म मोहब्बत सीखो, दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो। दिल जो किसी का चुराओ, दर्द को भी अपनाओ, अब तो हमारे हो जाओ, दिल को न मेरे तड़पाओ। दौलत ले चले लौट हम जाएंगे, लाख बुलाओ फिर तुम मुड़ के नहीं। तुम और यहाँ, तुमने ठीक कहा था, धड़कना दिल का काम है, लेकिन दिमाग अगर दिल बन जाए तो सोचना दिल का काम है। धड़कने कहीं और चली जाती है, फिर तो मेरा कोई झगड़ा नहीं तुम्हारे साथ। यही तो मैं भी कहती हूँ, आज के बाद मैं सोचूंगी, धड़कने तुम समेट लेना। आओ गले लग जाए। बड़ी दिलचस्प गफलत हो गई है, हाय अचानक उनसे उल्फत हो गई है।
आसमान को छू रहे हैं। गोपाल तुम क्यों रोनी शक्ल बनाए खड़े हो? मैं वादा करती हूँ अब कभी तुम पे नहीं बिगड़ूंगी। जरा हंस दो। अरे आप सब तो यूं दिखाई दे रहे जैसे घर में कोई मातम हो गया है। क्या बात है दादाजी, मुझे भी तो कुछ बताइए ना। बताने के लिए अब रखा ही क्या है बेटी, जो होना था सो हो गया। क्या हो गया? साफ साफ कहिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है लेकिन। लेकिन क्या? मिस्टर श्याम ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच है, बेचारे ने समुंदर में डूबकर अपने आप को खत्म कर डाला। नहीं दादाजी आपको गलतफहमी हुई है, मेरा दिल कहता है श्याम ऐसा नहीं कर सकता। दिल की आंखें नहीं होती बेटे, और जिसने ये घटना अपनी आंखों से देखी उससे पूछ लो। जयराम जी की, बाबूजी बिल्कुल ठीक कहे थे तुम्हारी जी। अरे सत्यानाश हो हमारी इन अखियन का जिनकी भाग में ऐसी दुर्घटना लिखत रहन है। हाय 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 कुमारी जी, अब भी जब वो नक्शा हमारे दिमाग में आवत है तो हृदय हमारा कांप कांप जावत है। कुमारी जी राम 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 राम। मगर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बहुत जतन किया रोकन का कुमारी जी, लेकिन जिसकी आशा निराशा में बदल गई हो उसका इस बाकी संसार से क्या लाभ है। हमने तो एक भी नहीं मानी उसने, सच्ची बात है कुमारी जी, बस पानी में कूद गया वो, तैरन भी नहीं आवत बेचारे को। हाँ दो चार गोते खाए और बोलो राम हुई गई बस। बस बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे वहां ले जाओ। तुम्हारी यही इच्छा है तो चलिए, गंगा दिन तो सेवक है संसार का, चलिए। क्या बताए कुमारी जी, बहुत अनर्थ देखे हैं इस पापी संसार में, पर ऐसा घोर अनर्थ, राम 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 राम। यही वो स्थान है जहाँ उसकी आत्मा परमात्मा से मिलन गई थो। कुमारी जी क्या बतवाए, हम ठहरे काशी के और वो संगम इलाहाबाद का वासी, हमें यूं मालूम होते है कि जैसे वो हमारा सगा भाई होते है। हाँ कुमारी जी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत लंबी कथा है कुमारी जी, राम जाने कौन शांता की कठोरता नीमक की तरह उसके विचारों को चाट गई हुई 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 दिल का छलनी बना गई हुई, दिल का छलनी। उई, उई, कहीं आप ही का नाम तो शांता नहीं है देवी? हाँ मैं ही हूँ वो शांता। अफसोस तो ये है कि उसने मेरे दिल को नहीं समझा। अरे जिसका अपना दिल टूट गया हो था कुमारी जी, वो दूसरे के दिल का कहाँ जाना था। मर्द का बच्चा था वो, खेल गया अपनी जान पर और कूद गया पानी में। आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ गया हूँ। चिट्ठी? शांता जी आपने उसे घर छोड़ने को कहा था, पर मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी जिंदगी में एक अंगारा बनकर जीने से कहीं बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दूँ। अरे वाह, जब वो जीवित रहे तब कभी हाल नहीं पूछत, अब राम नाम बोल गया हो तो नैनन का कटोरा छलक पड़ा है। तुम नहीं समझोगे गंगाजी, ये तो वही जानता है जिसके दिल पे चोट लगी हो। हम नहीं मानत है कुमारी जी, कहना बहुत आसान होवत है लेकिन करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं, अगर वो मेरे लिए जान दे सकता है तो मैं भी उसके लिए जान दे सकती हूँ। अरे 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 धीरज रखिए, गंगा दिन अपनी नखियों के सामने ये दूसरा अनर्थ नहीं देख सकत है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं शाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। यही तो मैं सुनना चाहता था शांता। तुम शाम? ओ लल्ला, thank you.
करते हैं हम जिंदगी तुम पे कुर्बान करते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम हम तो सदियों से तेरे तलबगार हैं तेरी जुल्फों में कब से गिरफ्तार हैं हम तो सदियों से तेरे तलबगार हैं तेरी जुल्फों में कब से गिरफ्तार हैं कैसे कैसे हाय कैसे कैसे गमों से गुजरते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं सिर्फ तुम ही तो हो जिस पे मरते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम मेरे दिल पे रखो फूल से हाथ को और समझो जरा दिल के जज्बात को मेरे दिल पे रखो फूल से हाथ को और समझो जरा दिल के जज्बात को एक तूफान है एक तूफान है जिस पे चलते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम सिर्फ तुम ही तो हो जिस पे मरते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम जिंदगी तुम पे कुर्बान करते हैं हम ये राज आज तुमको बताते हैं हम राजा बहादुर कहाँ है पारो कौन पारो बड़ी इनका मतलब है आपकी पोती शांता देवी गोपाल जी ये शाम की चिट्ठी है मैं इसे यहाँ रखता हूँ देना राजा बहादुर ये डाक घर का काम तो बाद में भी हो जाएगा पहले मेरी बात का जवाब तो दीजिए शांता घर में नहीं है आए कमाल है जब देखो घर से गायब मैं पूछता हूँ क्या आखिर इस फटफट का मतलब क्या है तुम तो जानते हो कि शांता अपनी मर्जी की मालिक बड़ी यही तो सारी गड़बड़ है राजा बहादुर शांता देवी के साथ साथ मैनेजर भी गायब बॉस दाल में बड़ी कुछ काला लगता है अबे दाल में काला है या पीला तेरे बाप का क्या जाता है तू उधर बैठ चल फुट सुनिए राजा बहादुर आपका मैनेजर अगर 6'2" है तो मैं 2'6" हूँ मैं पूछता हूँ क्या आखिर मैं उससे कौन सी बात में कम ऐसी बात नजर नहीं आती लेकिन इसका जवाब तो शांता ही दे सकती ये बात है तो मैं आज इस बात का फैसला करके जाऊंगा चाहे रात के 12 बजे अच्छी बात है तुम यहीं बैठो
मैं अपने कमरे में आराम करूं। ये फैसला इस तरह नहीं होगा बॉस, बड़ी मैनेजर का पत्ता काटना ही पड़ेगा। अरे मैनेजर का पत्ता काटते काटते मेरा पत्ता कट गया तो क्या होगा? बड़ी अपना नाम भी धर्मदास है बॉस। ये रही शाम के बैंक की चिट्ठी। चिट्ठी? चिट्ठी के साथ साथ एक लड़की का फोटो भी भेजा है। मगर धर्मदास इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है बॉस, अगर लड़की तुम्हें पसंद हो तो फौरन जवाब दो, ताकि तुम्हारे शादी की बातचीत इस लड़की के साथ फौरन पक्की कर दी जाए। मगर शादी की बातचीत उसकी पक्की करने से अपना फायदा क्या होगा? बॉस बहुत फायदा होगा, देखिए मैं क्या क्या रंग दिखाता हूँ। प्रॉमिस। छोटे नवाब, एक था लड़का, चल राजकुमार, जानवर, लाड साहब, बदतमीज। एक थी लड़की, वो कौन थी? जिद्दी। ये रास्ते हैं प्यार के, आओ प्यार करें। मैं चुप रहूंगी। प्यार किया तो डरना क्या? डर लगेगा। मेरा कसूर क्या है? प्यार मोहब्बत, दिल ही तो है। दिल तेरा दीवाना, दिल दिया दर्द लिया। दिल एक मंदिर, दिल देके देखो। जी चाहता है कहीं और चल, दूर का गम की छाव में, जहां मिले धरती आकाश। तुम सा नहीं देखा। कौन है भाई? अरे भैया जरा रुको, जरा रुको जी बाबूजी। ये तो दिखा, बहुत ही खूबसूरत है। ये कितने के हैं? सब 10 रुपए। 10 रुपए के? ये लो भैया। सलाम साहब। सलाम। सलाम। बड़े खूबसूरत है ना? तुम्हें मालूम है कि ये कौन से परिंदे हैं? ये है प्रेम पक्षी, मोहब्बत के परिंदे, यानी के लव बर्ड्स। और जानती हो अगर इनमें से एक दूसरे से बिछड़ जाए तो दूसरा उसके वियोग में तड़प तड़प कर जान देता। ये मेरे मेरे प्यार का तोहफा। कितना खूबसूरत तोहफा है, सदा याद दिलाता रहेगा हमारे प्यार को। काश हम दोनों की जिंदगी भी इनकी तरह गुजरे। लेकिन ये परिंदे जाग रहे हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं। इकट्ठे तो हम दोनों भी, लेकिन लेकिन पिंजरा दे दो, मैं जाती हूँ। कहाँ? अपने कमरे में सोने। नींद आ जाएगी? कोशिश करूंगी। You didn't say good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Dadaji. कहाँ से आए हो तुम दोनों? जी, हम लोग घूमने गए थे जी। इतना घूमना भी अच्छा नहीं कि घर का रास्ता ही भूल जाओ आधी रात तक। ये पिंजरा कैसा है तुम्हारे हाथ में? जी पिंजरा, बस 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 बस, इसी की वजह से देर हुई राजा बहादुर। बात दरअसल ये है कि इस पिंजरे में से एक परिंदा बाहर उड़ गया फुर्र करके, बहुत फुर्ती से, और मुझे उसके पीछे भागना पड़ा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। मैं सब जानता हूँ मिस्टर श्याम, तुम दोनों भी कौन सी हवा में उड़ते फिरते हो मैं ये भी जानता हूँ, और मैंने तुम्हारे पर काटने का फैसला भी कर लिया। पर काटने का? मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम तो समझते हो ना मिस्टर श्याम। जी कुछ कुछ
तुम शांता को पसंद करते हो ना? जी। और तुम भी शाम को पसंद करती हो ना? तो फिर देर किस बात की है? इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है तुम्हारी शादी। आज 15 तारीख है और 25 तारीख को तुम्हारी शादी का मुहूर्त है। इस मौके पर तुम्हारे घर वालों का शामिल होना बहुत जरूरी है। तुम एक दो दिन में अपनी बारात लेने के लिए इलाहाबाद जा सकते हो। और देखो बेटे, शांता की खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। इसको हमेशा खुश रखना, इसका दिल कभी ना तोड़ना। आप यकीन जानिए राजा बहादुर, मैं आपकी पोती को हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। टेलीग्राम तो हमने भेज दिया है, लेकिन अगर उस मैनेजर के बच्चे को पता चल गया कि टेलीग्राम हमने भेजा है तो हम दोनों की गर्दन। समझे धर्मदास? तुम भी कितना भोला है बॉस। धर्मदास कोई कच्ची गोली नहीं खेला। टेलीग्राम पर तो किसी का दस्तखत नहीं होता। नहीं, अरे ये तो मैं भूल ही गया। मेरे साथ रहते रहते मालूम होता है ये बड़ी तुमको भी अकल आ गई है। जवाब में तार को आए 3 दिन हो गए और वो तेरा भैया अभी तक आया नहीं। आया नहीं तो आ जाएगा माँ, अभी तो शादी में 5 दिन बाकी, इसमें घबराने की कौन सी बात है? ओफो, तू अभी बच्ची है और ये बातें हैं समझदारी की। देख ऐसा कर कि तू एक और चिट्ठी लिख दे, शायद भूल गया हो। ये भी कोई भूलने की बात है माँ? अब तक तो शादी का कार्ड भी वहाँ पहुँच गया होगा। ये कार्ड शाम की शादी का, किसी और के साथ। अब दुल्हन के मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं शांता जी? कुछ आप हंसी, कुछ नैन हंसी, कुछ नैनन बीज हंसे खजरा। दादाजी, दादाजी, दादाजी बहुत अच्छी साड़ियां लाए हैं आप और ये लिबास भी, जरा देखिए तो कैसी लगती हूँ मैं? चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, जो ये नहीं जानता कि कब उसे ग्रहण लग जाए। आज मैं बहुत खुश। बहुत ज्यादा खुशी भी कभी कभी आंखों में आंसू की आती है बेटे। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बेटे, लेकिन सोचता हूँ कि तुम सुन भी सकोगी या नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं भी नहीं जानता था कि लोग इस कदर बेईमान भी होते हैं। इनकी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और होता है। किसके बारे में कह रहे हैं? कौन बेईमान है? तुम्हारा शाम। शाम? क्या किया है शाम ने? ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया। जिस राजा बहादुर मोती सागर की तरफ आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, उसकी जिंदगी भर की इज्जत का गला घोंट डाला है उसने। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है शाम। ये देखो, ये गलत है, ये नामुमकिन है। कार्ड की प्रिंटिंग में गलती हो सकती है। दादाजी, मैं शाम को अच्छी तरह जानती हूँ, वो हमें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। माँ, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं होता। मुझसे पूछा तो होता, मेरी राय तो ली होती, मुझे कुछ सोचने का मौका दिया होता। ये तुम क्या रहे हो? तुम बिना की चिट्ठी नहीं मिली तुम्हें, तार नहीं भेजा तुम्हें। मैंने कई बार कहा मैम, मैंने कोई तार नहीं भेजा, मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। तुम नहीं समझी माँ, मेरी जिंदगी का सवाल है। अपनी आंख का तिनका तो सभी को शहतीर नजर आता है, मगर कभी तुमने उसके बारे में भी सोचा जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने? तुमसे ज्यादा ये कांटा मेरे दिल में चुभता है माँ। ये सब कहने की बातें हैं। अफसोस तो इस बात का है कि एक बाप का खून होते हुए भी तुम्हारे खून की सुर्खी सफेदी में बदल चुकी है। अगर आज वो तुम्हारी सगी बहन होती तो मैं देखती उसकी भलाई के लिए तुम्हारे कदम कैसे थी? ना माँ, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं आज उन लोगों को संदेश भेज देती हूँ कि ये शादी।
मेरी बिल्ली। साल भर के बाद तुम्हें देखा है भैया। मुझे तो यूं लगता है जैसे सदियां गुजर रही हैं। मैं तो तरस गई थी भैया, लेकिन मैं जानती कि तुम जरूर आओगे। छी, जब तुझे छोड़ कर गया था तब भी तेरी आंखों में आंसू थे, अब वापस आया हूँ फिर आंखें छलक गई। लेकिन ये तो खुशी के आंसू है भैया, तुम आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया, अब तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होगी। हाँ मैंने कहा था ना माँ, भैया मेरी बात कभी नहीं डालेंगे। सच भैया, दुनिया में कोई भी बहन इतनी खुश नसीब नहीं होगी जिसका भाई अपना सब कुछ छोड़कर अपनी बहन का खत मिलते ही उसकी झोली खुशियों से भर दे। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया, काश अगर मेरी टांगे होती तो आज मैं इस खुशी के मारे नाच उठती। क्या संदेशा भेज उन लोगों को? माँ, अरे माँ तुम अभी तक यहीं हो, तुम कहीं नहीं जाओ ना, दिल्ली कितने रह गए शादी, क्या जाओ माँ? अरे बिन्नी, ऐसी शादी इलाहाबाद में कभी देखी नहीं होगी। अरे आतिशबाजियां छूटेंगी, शहनाइयां बजेंगी, इतनी धूमधाम से शादी कराऊंगा ना, इतनी धूमधाम से शादी कराऊंगा तुम देखती रह जाओगी। हेलो श्याम, मैं शांता बोल रही हूँ। ये कौन सा है? मजाक ना करो श्याम, जिया? क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है देखा है, बोलो ना वो सब झूठ है, है ना? जी? मैंने सुना है तुम वहाँ शादी कर रहे हो, मैंने तुम्हारी शादी का कार्ड देखा है, ये सच है? तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी सच्चाई से खेले हो तुम, एक बहुत बड़ा नाटक किया मुझसे। हाँ तो मेरी बिन्नी, मैं कह रहा था कि मैं इतनी धूमधाम से शादी मनाऊंगा कि इलाहाबाद देखता रह जाएगा। आज कुछ बाजियां छूटेंगी, शहनाइयां बजेंगी, शहनाइयां बजेंगी, शहनाइयां। शहनाइयां बजेंगी। हाँ मेरी बिन्नी, शहनाइयां बजेंगी। हेलो श्याम, श्याम, हेलो। जवाब तो मिल चुका बेटे, अब क्या रखा है झूठी तसल्लियों में? और दादाजी, अभी 3 दिन बाकी हैं मिस रिटा, इससे पहले के मेहमान घर में आने शुरू हो जाए, जिन जिन लोगों को शादी के कार्ड भेजे गए हैं तुम उन सबको चिट्ठियां लिख दो, शांता की शादी नहीं होगी। दादाजी, शांता चिट्ठियां लिखने की जरूरत नहीं दादाजी, शांता की शादी होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ दादाजी, ये शादी होगी और जरूर होगी। मगर कैसे, किसके साथ? वो बेईमान तो हमें धोखा देकर वहीं अपनी शादी रचाने बैठ गया है। सारी दुनिया उसी से शुरू होकर उसी पे खत्म नहीं हो जाती दादाजी, मैं देवदास के साथ शादी के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटी, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मर्दों की दुनिया में कोई मर्द भी किसी औरत के काबिल नहीं, ये तो मैं पहले ही जानती थी, लेकिन अगर शाम मुझे धोखा दे सकता है तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि मेरे लिए भी उसकी बुक्कत एक बेवकूफ से ज्यादा नहीं थी, जिसका एहसास उसकी जिंदगी में कांटा बनकर चुभता रहेगा। मैं जानता हूँ ये तुम नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ दिल बोल रहा है। मेरा दिल शीशे का नहीं जिसे कोई तोड़ सके। तुम्हारा दिल पत्थर का भी नहीं बेटे, जो चूर चूर न हो जाए। मैं तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा, भूल जाओ इस बात को। मगर ये मेरा आखिरी फैसला है दादाजी, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। Thank you.
ब्रह्मानु साहा इंद्रानु साहा कन्या को फिरों के लिए बुलवाइए। अभी बुलवाती हूँ। बेटा श्याम, जरा अपनी बहन को ले आना। आपके भाई साहब अभी तक नहीं आए, लंबे सफर में थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है, अभी आते ही होंगे। गाली का समय टल सकता है मगर लगन का समय नहीं टल सकता। ये तो अच्छा हुआ कि बेटे का लगन पहले निकला और बेटी का चार घंटे बाद। उस समय उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है, कन्यादान तो उन्हीं के हाथों होना है। लो वो आ गए भाई साहब। वंडरफुल वंडरफुल। आइए आइए भाई साहब, हम लोग आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। पधारिए पधारिए, ये है हमारी समझल। नमस्ते। वंडरफुल वंडरफुल। आइए आइए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं, यही तो अपना दामाद है, कमला का होने वाला पति। पति? व्हाट नॉनसेंस, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इसकी तो शादी हो चुकी है। शादी? क्या इसकी शादी हो चुकी है? जी हाँ हो चुकी है। भैया ये क्या कह रहे हैं? नहीं बिन्नी, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, मेरी कोई शादी नहीं हुई। तो फिर कौन थी वो लड़की जिसके साथ तुमने मेरे बंगले में रात गुजारी थी? मेरा उस लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं था कर्नल साहब, ना मेरी कभी उससे शादी हुई ना कोई तालाक। हालात की मजबूरी थी कर्नल साहब, जिसके खातिर मुझे आपके सामने झूठ बोलना पड़ा। झूठ वो था या बोला जा रहा है हमसे, इससे पहले के बारात तुम्हारे मकान से वापस चली जाए, साफ साफ बताओ क्या वास्ता है तुम्हारा उस लड़की से? तो चलिए मेरे साथ। उस वक्त तो सिर्फ यही वास्ता था कि वो राजा बहादुर मोती सागर की पोती और मैं उनका मैनेजर, लेकिन आज आज वो मेरी मंगेतर है। शादी का मुहूर्त निकाल कर जब मैं बारात लेने यहाँ पे आया तो आपके समाज के झूठे रस्म रिवाज की चौकट पर मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन कर्नल साहब, ये वक्त इनसे बातों का नहीं, मेरी बहन की लगन की घड़ी बीती जा रही है। भैया मैं ये शादी नहीं करूँ। बिन्नी। हाँ भैया, मैं तुम्हारी बहन, मैंने तुम्हारी कलाई पर सिर्फ राखी के धागे नहीं बांधे, तुम्हारे सुख और शांति की प्रार्थना भी की। मुझे दोहरे की शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। बीना ये क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ माँ, ये सब तुम्हारा ही दोष है। मुझे अंधेरे में रख कर तुमने भैया के पैरों में ऐसी जंजीर डाल दी जो मैं तोड़ न सकी। आज मालूम हुआ कि सौतेली माँ के लिए दुनिया जो कहती है वो ठीक ही कहती है। खबरदार, अगर मुझसे एक भी शब्द निकाला माँ के लिए, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। कर्नल साहब, आप इसकी बात का बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इस वक्त खुद नहीं बोल रही, इसके भाई का प्यार बोल रहा है। ये नादान है भाई साहब, ये जो कुछ भी कह रही है, इसकी जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मगर मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, आप लोगों ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। कर्नल साहब, मेरी बहन की शादी मत रुकवाइए, ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। खुदकुशी है? खुदकुशी, ताकि दुनिया को कहने को मिले बचपन में भाई ने बैठने को कुर्सी दी और जब बहन शादी के काबिल हुई तो बहन की डोली नहीं उठी, भाई ने अर्थी का इंतजाम किया। अरे पगली, अरे पगली, तेरी राखी के धागे इतने कमजोर नहीं कि जमाने की जरा सी मार ना सह सके। अरे बड़े मजबूत, इतनी ताकत है इनमें कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं तोड़ सकती। तुम ठीक कहते हो मिस्टर श्याम, दुनिया की कोई भी ताकत भाई बहन के प्यार के बंधन को नहीं तोड़ सकती और कोई भी ताकत तुम्हारी बहन की शादी नहीं रोक सकती। बीना की शादी होगी तो हमारे भांजे के साथ। मगर भाई साहब, हम कमला के लिए भी और लड़का देख लेंगे। कर्नल साहब, मैं ज्यादा बातें सुनना पसंद नहीं करता, तुम्हारी शादी भी वही होगी जहां तुम चाहते हो। चलो बहू। Thank you.
देख रही हो रिटा, कितनी रौनक, कितनी चहल पहल है इस घर। लेकिन आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन भी है और सबसे बुरा भी। मैं जानती हूँ राजाबहादुर, आज मुझसे बाबा की शादी भी और बर्बादी भी। राजाबहादुर, राजा बहादुर, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बला से देखा नहीं जाता तो मैं बता देता हूं, शांता की शादी हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें किसी ने बुलावा नहीं भेजा। राजा बहादुर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे मैं दूर करने आया हूं, मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। किसी के जलते हुए घर की आग से तुम्हारे घर में रोशनी हो गई, यही सुनाने आए हो? हमने तुम्हें अपना समझकर इस घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, इसलिए कि तुम एक दिन हमारा ही दिल छलनी कर दो। सिर्फ इसलिए कि तुम ये कह सको कि जाइए राजा बहादुर अपनी बेटी के आंसू पोंछिए, निकल जाओ यहां से, वरना नौकर से धक्के दिलवाकर निकाल के जाओ, निकल जाओ। धक्के तो मैंने जिंदगी में बहुत खाए हैं राजा बहादुर, अब उनकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं शांता से दो बातें करना चाहता हूँ। शांता, खबरदार जो उसका नाम भी तुम्हारी जुबान पर आया, अब तुम इस घर की दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। मोहन, गोपाल, दरवाजा बंद कर दो। ये मैं क्या देख रहा हूं? कर्नल जंग बहादुर, असली सरप्राइज तो मैं अभी आपको देने वाला हूँ राजा बहादुर। इससे बढ़ के और क्या सरप्राइज हो सकती है कि आप आ गए। पहले ये बताइए, शाम आया था क्या? उस कमीने का नाम न लीजिए मेरे सामने, मैंने उसे धक्के मार के मार लिया। आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। आइए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? आइए तो सही, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। शांता, यहाँ क्या लेने आए हो तुम? मुझे तुमसे कुछ कहना है, सिर्फ तुमसे। शादी मुबारक हो मिस्टर श्याम। शायद राजा बहादुर की तरह तुम्हें भी मेरे बारे में कोई गलत फहमी है, लेकिन नहीं शांता, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर। जी मैं सच कह रहा हूँ शांता, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि वह एक मजबूरी थी, एक ऐसी मजबूरी जिस पर मेरी बहन की जिंदगी और मौत का दारोमदार था। जी मजाक मत करो शांता, मजाक कभी कभी किसी की जान भी ले सकता है। जी ये आप मुझसे कह रहे हैं? जी नहीं, आपके मेहंदी में रंगे हुए हाथों से कह रहा हूं, इस सुहाग के जोड़े से कह रहा हूं जिसमें सजावट जरूर है लेकिन बनावटी, दिल की नहीं। दिल? दिल किस चिड़िया का नाम है मालूम है तुम्हें? मोहब्बत और मोहब्बत के नाम का सहारा लेकर किसी के जज्बात से खेलने का क्या मतलब होता है जानते हो तुम? शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते मिस्टर श्याम। शांता, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती? शांता मर चुकी है और वो जो अब जिंदा है तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इलाहाबाद के लिए आखिरी गाड़ी 10:30 बजे जाती है, चाहिए मिस्टर श्याम, वरना वो भी छूट जाएगी। वो मेरे बगैर नहीं छूटेगी शांता जी, दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, लेकिन हाथों में मेहंदी लगाने से पहले इनको तो जुदा कर दिया होता। शादी मुबारक हो शांता जी। यह है मेरा भांजा रमेश और यह है शाम की बहन बीना, जिसकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए
बेचारे श्याम ने अपने आप को कुर्बान कर डाला। हाँ दादाजी, श्याम भैया इंसान के रूप में एक देवता है। उन्होंने अपनी तमाम खुशियां मेरी झोली में डाल दी और अपने दामन को आंसुओं से भर लिया मुझे अपाहज के कारण। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पकड़ती हूँ, उनकी तमाम खुशियां उन्हें वापस लौटा दीजिए। वो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शांता, घबराओ नहीं बेटी, मैं राजा बहादुर को आज से नहीं बरसों से जानता हूं। वो मेरी बात हरगिज नहीं टाल सकते। शांता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने श्याम को गलत समझा, बिल्कुल गलत समझा। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं ठीक कह रहा हूँ शांता, श्याम की शादी नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी अपाहज बहन की शादी की खातिर हमसे झूठ बोला। उसने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमने उसे धोखा दिया। किंतु कहाँ चला गया होगा? मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ, कहाँ ढूंढने जाऊँ? मिस रीटा, ये क्या चक्कर है? शहनाइयां बंद हो गई, बाजे बंद हो गए, लगन का मंडप टूट गया, मगर अभी तक दुल्हन का पता नहीं। मैं पूछता हूँ इस दूल्हे को और कब तक इंतजार करनी पड़ेगी? जिंदगी भर। हैं? जिंदगी भर? क्या मतलब? मतलब यह कि शांता की शादी तुमसे नहीं होगी। नहीं होगी? मगर क्यों? ये तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो आप भी कान खोल कर सुन लो राजा बहादुर, आप अगर राजा बहादुर हैं तो मैं भी कोई लल्लू पंजू नहीं। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस घर में खून की नदियां बहा दूंगा, सबके थोपड़े राइट से लेफ्ट कर दूंगा। खबरदार, ये कौन कमबख्त है? पहले तलवार को हाथ में पकड़ना तो सीख लो बरखोदार। जान प्यारी है तो उल्टे कदम वापस चले जाओ, वरना बंदूक से उड़ा दूंगा। एक मिनट राजा बहादुर, मेरा ये आखिरी पैगाम शांता जी को दे देना। अरे तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, अरे तू नहीं और सही, और नहीं और सही। धर्मदास, अबाउट टाइम। घबराओ नहीं बेटी, श्याम तुम्हारा भाई है तो मैंने भी उसे अपना बेटा ही समझा। शांता की शादी होगी तो सिर्फ श्याम के साथ। रीटा, शांता से जाकर कह दो कि श्याम की बहन उससे मिलने आई। गोपाल, घर में जितने नौकर हैं, गाड़ियां हैं, सबको मिस्टर श्याम की तलाश कर दी, जैसे भी हो उसे ढूंढ आई। सब मिसी बाबा, कोई संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा, मैं तबाह।